हेलो क्लास, हाउ आर यू? हियर शिल्पी सैनी, सूरज स्कूल, भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे विल कंटिन्यू द सेम लेसन, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, लेसन 7, एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस लेसन। विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी पैराग्राफ, पे अटेंशन। ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Bearman up to be my model. अब यहाँ पर जो है जॉन्सी कह रही है कि अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश करो, ठीक है, जल्दी से अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मुझे उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। कौन कह रहा है? जॉन्सी। किससे कह रही है? सू से। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, क्योंकि वो कह रही है मैं थक चुकी हूँ। किस चीज से? क्योंकि उसे मरना है और वो इंतजार करते हुए थक चुकी है और कहती है कि मुझे पीसफुल यहाँ से जाने दो, उस थकी हुई लीव्स की तरह, इस लीव्स की तरह जो आईवी क्रीपर पर है और जो गिर रहे हैं वहां से, पत्ते जो है गिरते जा रहे हैं ड्यू टू ऑटम सीजन। Try to sleep, फिर से कहती है सोने की कोशिश करो। मेरे को ओल्ड माइनर की पेंटिंग ड्रॉ करनी है, मैंने बहरमैन को बुलाया है जो कि उसके फ्लैट के नीचे रहता है, उसका मॉडल बनने के लिए, ताकि उसको देख के ये पेंट कर सके। कौन? स्यू। स्यू रश्ड डाउन, बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम। Sue poured out the worries to Behrman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. अभी कह रहे हैं Sue जो है जल्दी से नीचे जाती है। Behrman नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, जो कि एक 60-year-old पेंटर है, और उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम है वो क्या है? एक मास्टर पीस बनाना, जो कि अभी तक उसका ड्रीम है, जो कि अभी तक वो नहीं बना सका है। स्यू उसको अपनी चिंता बताती है, बहरमैन को, और वो ये भी बताती है कि जॉन्सी किस तरीके से अपने आप को कन्विंस कर चुकी है कि वो मरने वाली है उस आखिरी पत्ते की तरह, ठीक है, आईवी क्रीपर के पत्तों की तरह वो जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो उसके साथ मर जाएगी। ये बात वो बताती है बहरमैन को। इज शी स्टूपिड? आज बहरमैन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, शी इज रनिंग A high temperature, complained Sue. She refused to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Jonesy, Behrman said. अब क्या होता है कि क्या वह मूर्ख है? बहरमैन उसे पूछता है और फिर ये भी कहता है कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, और फिर वो जो है मतलब वो कहते हैं कि इतनी मूर्ख वो कैसे हो सकती है। बहरमैन कहता है कि वो इतनी मूर्ख है क्या, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, कितनी तेज उसको फीवर है, ठीक है। ये कहती है स्यू की उसे बहुत तेज़ फीवर है, फिर उसके बाद वो जो है खाने पीने से भी मना कर दिया और इस चीज़ की मुझे और ज़्यादा चिंता होती है। आई विल, और फिर ये भी बोलती है वो कि आई विल कम विद यू, मतलब सॉरी, बहरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और उसको देखूँगा, किसको? जॉन्सी को, कि उसका क्या हाल है, वो इस तरीके से क्यों कर रही है। They tiptoed into the room. Jonesy was sleeping. Sue drew the curtain together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seems as though the leaf would fall any time, any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. वो दोनों धीरे से उसके रूम में आते हैं। जॉन्सी सो रही है, वो कर्टेन खींचती है स्यू, ठीक है, और फिर वो देखते हैं कि वो जो है अगले रूम में चले जाते हैं। फिर स्यू जो है झांकती है विंडो के थ्रू और वहाँ पर देखती है कि सिर्फ जो है एक लीफ बची हुई है उस क्रीपर पे, विंडो के बाहर देखती है जब, और बारिश तेज हो रही है और आइसी कोल्ड विंड चल रही बहुत तेज़, और ऐसा लग रहा है कि वो लीफ जो लगी हुई है उस पे, जो आईवी क्रीपर पे, वो किसी भी टाइम गिर सकती है। बहरमैन कुछ नहीं कहता और वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबली वॉइस, शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन। शी वाज नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। अब जो है क्या होता है, अब क्या होता है जो
कि जो जॉन्सी वो कप नेक्स्ट, जॉन्सी वो कप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबली वॉइस। जॉन्सी जो है अगली मॉर्निंग जो है उठती है, वो उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर रहती है, और वो क्या करती है कि सिस्यू से कहती है कि वो जो है कर्टन हटा दे। ठीक है, स्यू इस बात पर बहुत नर्वस हो जाती है, और वो जो है सोचती है कि अगर मैं कर्टेन हटाऊंगी और लीफ अगर ना हो तो क्या होगा। लेकिन चूंकि वो कह रही थी जॉन्सी, इस वजह से वो हटाती है कर्टेन। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। और जब स्यू कर्टेन हटा करके उस क्रीपर को देखती है तो वो बोलती है कि लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द फेयर सी विंड्स इट डिड नॉट फॉल। और अब कह रही है ये कि देखो अभी भी वहाँ पर एक लीफ है जो कि काफ़ी ग्रीन है, हेल्दी है, ठीक है, और इतनी तेज विंड के बावजूद, हवा के बावजूद भी ये लीफ नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, जॉन्सी सेड। जॉन्सी जॉन्सी कहती है कि मैंने सुना था कि मतलब आवाज़ जो थी हवा की कल बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टूडे, देन आई विल डाई। यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। और अब ये कहती है कि जो है कि मैंने सुना था कल रात में हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, चलो कोई नहीं ये अब गिर जाएगी आज तो मैं मर जाऊँगी। कौन कहता है? जॉन्सी कहती है। तो उसकी फ्रेंड स्यूज को मोटिवेट करते हुए कहती है, एनर्जेटिकली मीन्स एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी वे में, कि जो है यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है, और जो है वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, क्या होगा अगर जो है तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए रहना है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। जॉन्सी हंसती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर आर सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर ड्रीम, सॉरी अनदर स्टॉर्म, बट द लीफ डिड नॉट फॉल। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। अब क्या होता है कि जो है शाम को, मतलब ये क्या हो रहा है कि अब वो स्माइल करके आंखें बंद कर लेती है, लेकिन कुछ समय बाद देखती है, क्या देखती है, विंडो के बाहर की लीफ उस समय भी वहाँ पे रहती है, और उसे ऐसा लगता है जैसे लीफ जो है वो क्रीपर से चिपकी हुई है। और शाम को क्या होता है, एक और तूफान आ जाता है, लेकिन लीफ फिर भी नहीं गिरती है, और जॉन्सी जो है काफ़ी लंबे समय तक लीफ को देखती रहती है, और फिर उसके बाद वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। स्यू हग्ड जॉन्सी, देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ब्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। अब क्या है कि जॉन्सी को रियलाइज़ हो जाता है उसकी गलतियों का, कि वो जो अपने लिए सोच रही थी वो गलत था, और कहती है उसको बुला करके कि मैं एक बहुत बुरी लड़की थी, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, और मैं जो हूँ हमेशा निराश थी, डिप्रेस एंड ग्लूमी। डिप्रेस मीन्स निराश, ग्लूमी निराश, उदास, उदासीनता, मतलब डिप्रेस, सैड, सोरोफुल नेचर। फिर उसके बाद द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। अभी कहती है कि जो आखिरी पत्ते से मुझे पता चला कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, ठीक है ना, वो पत्ता देखो नहीं गिरा, वो अभी तक स्थिर है, और मुझे महसूस हुआ कि ये काफ़ी गलत है, सिन, सिन मीन्स पाप, रॉन्ग डीड, तो ये गलत है कि जो है मैं इस तरह से सोच रही थी कि मैं मर जाऊँगी। स्यू ने जॉन्सी को गले से लगाया, हग्ड हियर मीन्स टू एम्ब्रेस, गले से लगाना। देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और उसको हॉट सूप दिया, मिरर दिया। जॉन्सी कॉम्ब्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, वो अपने बालों में कॉम्ब करती है और स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमैन, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। सी हियर द वर्ड निमोनिया एंड पे अटेंशन द स्पेलिंग, ओके, निमोनिया।
बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर हैंड्स इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. डॉक्टर आता है उसको चेक करने के लिए डेली रूटीन की तरह से, और जॉन्सी जो है अभी भी वहाँ पर मतलब की है, जॉन्सी हैज़ द विल टू लिव, और कहता है कि जॉन्सी के अंदर अब इच्छा आ चुकी है जीने की, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी ये जल्दी रिकवर कर लेगी. और जो है मेरे को डाउन स्टेयर जाना है, डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे, और बहरमैन को चेक करना है, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उसको भी निमोनिया हो गया है, और मुझे चिंता है उसकी क्योंकि उसके जीने की उम्मीद नहीं है. स्यू जो है द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट, और अगले ही सुबह स्यू आती है और उसके पास बैठ जाती है, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. He had been out in that stormy night. अब ये कह रही है जो है स्यू जॉन्सी को बता रही है कि बहरमैन मर चुके हैं निमोनिया की वजह से, वह बीमार थे, ठीक है, सिर्फ 2 ही दिन से वो बीमार थे, और जो है पहले दिन जेनेटर, जेनेटर एक पर्सन, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, जेनेटर. तो जो है ये कहती है कि जो है पहले दिन जेनेटर ने देखा था उसको उसके बेड पे, और उसके क्लॉथ्स और शूज गीले थे और वो कांप रहा था. शिवरिंग हियर मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना, शिवरिंग कैप ट्रेम्बलिंग, कांपना. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वह इस तरीके के तूफानी रात में बाहर था. देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटनिंग लेइंग नियर हिज बेड. देयर वर सम ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर. जॉन्सी डियर सेड्स यू look out of the window, look at the ivy creeper leaf, haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That is Behrman's masterpiece, he painted it in the night the last leaf fell. अभी बता रहे हैं कि जो है उन लोगों ने क्या देखा था कि उसके कमरे में, किसके कमरे में, बहरमैन के कमरे में क्या क्या था, उसके जैसे कि लैडर थी, लैडर मीन्स सीढ़ी जो होती है, ठीक है ना, वुडन लेडर, वुडन सीढ़ी जो होती है वो थी. लैंटर्न, लैंटर्न क्या होता है, लैंटर्न देखिए लेडर जो होता है एक वुडन सीढ़ी होती है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है. लैंटर्न केरोसिन ऑयल्स का लैम्प होता है, उसको हम लैंटर्न कहते हैं, और वो जो है लाइटेड था, जल रहा था, ठीक है, और उसके बेड के पास था, और वहाँ पर कुछ ब्रश थे ग्रीन एंड येलो पेंट से फ्लोर पे लेडर के पास. जॉन्सी कहती है कि स्यू से कि देखो उस विंडो में क्या तुम देख सकती हो अभी भी वहाँ पर, वो जो है हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि वहाँ पर जो लीफ है हवा के तेज चलने पर भी वो हिलती नहीं है, क्योंकि वो बहरमैन की क्या है, मास्टर पीस है, ठीक है, और वो पेंट किया है कब, लास्ट नाइट को जब वो लीफ गिर चुकी थी, और वो मौसम कैसा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉमी था, कोल्ड वेदर था, ठीक है. इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन लेसन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ बहरमैन फॉर द लाइफ ऑफ जॉन्सी. ओके क्लास, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. यू विल हैव टू राइट द समरी ऑफ कम्प्लीट लेसन एंड देन यू विल बी गिवन सम क्वेश्चन, यू विल हैव टू डू दैट, एंड यू नो यू हैव टू डू ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल्सो. क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.